जो 70 घाट है इसमें 64 करोड़ का काम और 200 करोड़ का घाल में शर्म है, तो आप वर्तमान न्यायाधीश से इसकी जांच कराएं, अन्यथा इसी सप्ते हम PIL फाइल करने जा रहे हैं। वशिष्ठा कंपनी का सांठगांठ और 15 से 20 सालों के अंदर वशिष्ठा कंपनी ने जनता के पैसे को कितना लुटाया, किन किन लोगों का सांठगांठ है इसमें, 20 सालों के अंदर 30 सालों के अंदर जो PWD मिनिस्टर रहे हैं, सिंचाई मिनिस्टर, उसकी पूरी जांच। इसमें सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं है, पहले जो वर्तमान विपक्ष है वो भी वशिष्ठा कंपनी के साथ उस वक्त भी PWD मिनिस्टर थे, सभी लोग थे। तो मुंह क्यों चुप हो गए, क्या कारण? मुझे लगता है कि सभी लोगों की भागीदारी, विशिष्ट कनेक्शन है इन लोगों का, इलेक्शन के लिए कनेक्शन है। वो तो कहावत है, माल महाराज का मिर्जा खेले होली। ये जो स्थिति है इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की मिलीभगत जिस तरीके से चुप है विपक्ष, इससे साफ दिखता है कि कहीं कहीं वशिष्ठा कंपनी सबको परोसने का काम किया है। उसमें कोई इंक्वायरी की बात नहीं हो रही है। वशिष्ठा कंपनी पर अभी तक FIR होना चाहिए, वो FIR नहीं हुआ। वशिष्ठा कंपनी को और मंत्रियों को बचाने की पूरी साजिश हो रही है, मंत्रियों को बर्खास्त नहीं किया गया। वशिष्ठा कंपनी एक जगह नहीं, पटना में भी कई घटना वशिष्ठा कंपनी के द्वारा हुआ। कोसी में ब्रिज जिसमें उन्हें जिस भेजा, बड़े लेवल पर काम दिए गए, पुलिया से अलग जो 70 घाट है इसमें 64 करोड़ का काम और 200 करोड़ का घाल में, या एक मात्र नीतीश बाबू, सुशासन बाबू का एक चेहरा, एक करतूत, करोड़ों अरबों के बांध टूटे हैं, हमेशा टूटते हैं, इस बार भी टूटे हैं। गोपालगंज नौबतसर बरौली प्रखंड के कहला में पात तक में इस तरह से कोई नहीं ग्राम भसई बोलही निम्युआ पंचायत लगभग टोटल के टोटल डूबा हुआ। जो स्थिति है उसमें सरकार कोई, आप एक पुल से सरकार का मूल्यांकन आकलन नहीं कीजिए, ये तो सरकार के चेहरे का पता चलता है। इसलिए बहुत क्लियर है, उसमें कोई बहस नहीं है कि हम न्यायिक जांच के लिए हाईकोर्ट जाएंगे।